हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू निखिल एक्वाटिक्स। तो फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज एडिंग टू न्यू फिशेस इन एक्वेरियम। और पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। और टी शर्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं, मैं लाया हूँ कुछ न्यू फिशेस टैंक में ऐड करने के लिए। मैंने पहले टैंक के वाटर को 2 दिन तक साइकिल किया फिल्ट्रेशन ऑन करके। आप भी ऐसा करें, जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन जाए तभी जाके आप फिशेस को लाएं। 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद लाएंगे तो और भी बेस्ट है। ये देखिए, मैंने टेम्परेचर मैच होने के लिए रख रखा है टैंक में। आप भी ऐसे ही करें, आप सीधा लाके पॉलीथीन ना डालें। और ये बैटा फिश की फ़ोटो कैसे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी हम इन्हें टेम्परेचर मैच होने के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं हमारी फिशेस कैसी हैं। आप जब भी एक्वेरियम फिशेस परचेस करने जाएँ एक्वेरियम शॉप से, तो आप देख लें वो हेल्दी हैं कि नहीं। कभी कभी किसी फिशेस पर रेड स्पॉट वाइट स्पॉट होता है, और ये समर सीजन है। आप और भी देख करके फिशेस लीजिए, चाहे विंटर हो चाहे समर, आप फिशेस को अच्छे से देखी कर लीजिए। अब हम फिशेस को ऐड करेंगे। तो हम पॉलीथीन का वाटर नहीं डालेंगे। आप कई लोग ये करते हैं, पॉलीथीन साइड डाल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास एक फैंसी गोल्ड है और एक रेड कैप है। अब हम इस बकेट में वाटर डाल देंगे, पुराना वाला जो एक्वेरियम शॉप का है, क्योंकि वो बैक्टीरियल बहुत ही हार्मफुल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, डालते हैं। ऐसे फिशेस शॉक नहीं होंगी। आप ऐसे डालें नेट के थ्रू। आप पुराना जो पानी है जो एक्वेरियम शॉप का है उसे ना डालें, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल होता है। वो पुराना पानी होता है, कई फिशेस का उसमें जम्स होते हैं, इसलिए वो वाटर ना डालें अपने टैंक में। और कितने दिन का होता है कितने दिन का नहीं, वैसे वाटर ज़्यादा पुराना हो तो ही अच्छा है, लेकिन वो एक्वेरियम शॉप का होता है। तो आप देख ही रहे हैं। अब तो थर्ड पॉइंट है, 3 पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, आप फिशेस को अच्छे से देख करके लीजिए, हेल्दी हो, ज़्यादा उछल कूद कर रही हो। दूसरा, आप गोल्ड फिश को लाएँ तो 1 दिन तक, चाहे कोई भी फिशेस हो, 1 दिन तक कोई भी फूड ना दें। और तीसरा, आप जैसे मैंने फिश को ऐड किया ऐसे ही आप भी करें। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई फिशेस को ऐड करने के लिए। कई लोग पॉलीथीन साइड डाल देते हैं। पहले आप 20 मिनट टेम्परेचर मैच होने के लिए रख दीजिए वही पॉलीथीन साइड। फिर जो पुराना वाटर है उसे कहीं फेंक करके और नेट के थ्रू फिशेस को डाल दीजिए, जैसे मैंने किया है। तो आप फिशेस को देख ही सकते हो, उतने स्ट्रेस में नहीं है। कई लोग ऐसे ही डाल देते हैं सीधा, तो स्ट्रेस में चली जाती हैं और मर भी जाती हैं। फ्रेंड्स, मरने के ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं सीधा ऐड करने के। अगर आप टेम्परेचर मैच करते हैं तो और भी बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। टेम्परेचर मैच हो जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता है दोस्तों, और हमारे टैंक का टेम्परेचर कुछ और होता है। और मैं जल्दी वीडियो भी बनाऊंगा फिशेस के स्ट्रेस होने पर भी और फूड ना लेने के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके 1 लाइक से हमारा बहुत मोटिव बढ़ता है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्यूचर में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मेरे को पता है आप कर लेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग फेसेस को टेम्परेचर थ्रू मैच करके ऐड नहीं करना जानते, तो फ्रेंड्स ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके 1 लाइक से हमारा बहुत मोटिव बढ़ता है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताएं फिशेस कैसी लग रही है फ्रेंड्स, इसमें और कौन सी फिशेस ऐड करनी चाहिए जल्दी बताएं। और इन फ्यूचर टैंक बहुत ही अच्छा बनने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपका आज का टॉपिक, कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। छोटू ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा।